नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। दावते इफ्तार का मौसम चल रहा है। इसी कड़ी में बीते 17 अप्रैल को बाबा सिद्दीकी ने मुंबई में दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कि बॉलीवुड के कई सितारे नजर आए। खास बात यह रही कि तेजस्वी यादव के सबसे खास MLC सुनील कुमार सिंह भी इस दावते इफ्तार पार्टी में नजर आए। बाबा सिद्दीकी की जो दावते इफ्तार पार्टी है, उस पर नज़र जो है वो पूरे बॉलीवुड या कहें कि पूरे देश भर की रहती है, क्योंकि इस दावते इफ्तार पार्टी में पूरा बॉलीवुड जो है वो आता है। और अब इस दावते इफ्तार पार्टी में बिहार के कई नेता भी शिरकत करने लगे हैं। साल 2023 में बाबा इफ्तार ने जो पार्टी आयोजित की दावते इफ्तार की, उसमें RJD के MLC सुनील कुमार सिंह भी नजर आए। खास बात स्क्रीन पर देख रहे हैं कि साथ में सुनील कुमार सिंह के सलमान खान भी नज़र आ रहे हैं और सुनील शेट्टी भी नज़र आ रहे हैं, और बिहार सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर जमा खान भी इस दावते इफ्तार पार्टी में शिरकत करने के लिए मुंबई पहुंचे थे। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि भले ही कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं बाबा सिद्दीकी, उनके बेटे जो हैं मौजूदा वक्त में बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस के विधायक हैं, तो शुरू से ही उनका झुकाव जो है वो RJD के लोगों के प्रति रहा है। जब पटना में उन्होंने 28 मार्च को दावते इफ्तार का आयोजन किया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था, उन्होंने बताया था कि तेजस्वी यादव की बेटी हुई है, पर्सनली उन्होंने फ़ोन करके बधाई दी है। हम तो तेजस्वी जी के घर में एक रहमत आई है, मैंने उनको मुबारकबाद भी दिया पर्सनली भी, और उनके घर में जैसे आप कहते हो लक्ष्मी आई है, हम कहते हैं रहमत आई है। बिटिया जब आती है घर में तो मैं समझता हूँ अल्लाह की रहमत आती है। तो नहीं, ऑफकोर्स तेजस्वी भाई एक यंगस्टर्स के, यूथ के एक रोल मॉडल है। मैं उनके साथ बिहार में जब चुनाव था तभी भी इलेक्शन कैंपेन में था, और जिस तरीके से युवा लोग तेजस्वी जी को देखते हैं बहुत प्रभावित है, प्रभावित हो तो मैं उनके रैलीज देख कर, और उनके जो काम करने का ढंग है बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मुझे लगता है कि उनका बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, और उनकी जो घर पे अभी बेटी हुई है उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता चाहूंगा, बड़े भाई तेजस्वी जी को। तो एक तेजस्वी यादव से भी रिश्ते जो हैं वो बाबा सिद्दीकी के बहुत ही अच्छे रहे हैं। इसी कड़ी में बाबा सिद्दीकी ने पहली बार RJD के MLC सुनील कुमार सिंह को न्योता भेजा, और सुनील कुमार सिंह पहुंच जाते हैं मुंबई इस इफ्तार पार्टी में शिरकत करने के लिए। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें जो सामने जो निकल कर आई हैं इस इफ्तार पार्टी की, जिसमें कि नज़र आ रहे हैं आपको तेजस्वी के खासम खास MLC सुनील कुमार सिंह, और साथ में सलमान खान की भी तस्वीरें हैं, बिहार सरकार के मंत्री जमा खान की भी तस्वीरें आ रही हैं इस इफ्तार पार्टी से। तो कुल मिला कहें कि 2024 में चुनाव होंगे, उससे पहले बाबा सिद्दीकी की जो नज़र जो है वो बिहार के सियासी ज़मीन पर भी है। बिहार के सियासी ज़मीन पर इस मायने में क्योंकि मूल रूप से बाबा सिद्दीकी जो हैं वो गोपालगंज के मांझा के रहने वाले हैं। मांझा से निकलकर उनके दादाजी जो हैं वो मुंबई पहुंचते हैं, शुरुआती दौर में घड़ी की दुकान पर काम करते हैं। इस सफ़र की शुरुआत जो है यहाँ से होती है, और फिर बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के विधायक भी बनते हैं, और अब हालांकि विधायक नहीं है, उनके बेटे जो हैं वो जिसान सिद्दीकी वो मौजूदा वक्त में विधायक हैं। कहा जा रहा है कि 2024 में बाबा सिद्दीकी चाहते हैं अपने लिए कोई सियासी ज़मीन बिहार में भी, इसलिए उन्होंने साल 2023 में पटना में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शिरकत किया था। और अब मुंबई में जो दावते इफ्तार पार्टी हुई उसमें तेजस्वी यादव के खासम खास MLC सुनील कुमार सिंह भी नजर आए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।